हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और कैसे ऑटो फिक्शन, आज बहुत दिनों बाद मैं अपना एक व्लॉग, मतलब व्लॉग कहो या इसको एक वीडियो कहो, जो कि मैं अपनी पर्सनल बाइक के ऊपर लेकर आया हूँ। और बहुत टाइम हो गया था, कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी ऑटो फिक्शन पर, लेकिन मैंने चाहा कि आपको बताऊँ कि मेरे पास पर्सनली कौन सी बाइक है। मेरे पास है यामाहा की R15, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो ये री। तो ये जो बाइक है मेरी, वो मेरे साथ 2016 से है, वो भी 2016 अक्टूबर में मैंने ये ली थी। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये V2 वर्जन है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और मैं आगे इसके बारे में आपको और चीज़ें भी बताऊँगा कि अब मैं इस बाइक को सेल कर रहा हूँ। चाहता तो नहीं हूँ, क्यों सेल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिकली मैंने एक नया चैनल चालू करा है, अगर आपको नहीं पता हो तो। वो मैं मोटो व्लॉगिंग और उस पर अपने डेली व्लॉग डालता रहता हूँ, तो उस चैनल पर मैं आपको मोटो व्लॉगिंग करता हुआ दिखूँगा। मोटो व्लॉगिंग के लिए यार जो ये बाइक है ना अपनी, वो इतनी खास नहीं है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ पास से। तो भाई साहब, ये है अपनी बाइक। तो मैं जो कह रहा था कि अब मैं इसको बेचने की सोच रहा हूँ, बेच ही रहा हूँ, मतलब सोच क्या रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब लेनी है एक स्पोर्ट टूरर बाइक, यानी कि कोई ऐसी बाइक, क्योंकि इसमें ना कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर पाता हूँ। कंफर्टेबल क्यों नहीं फील कर पाता हूँ, क्योंकि इसकी जो राइडिंग पोस्चर है ना, वो तो एक पूरा सुपर जो रेसिंग मशीन होती है ना, उस जैसा है। आपको पता है R15 पर स्टार्टिंग से ऐसी रहा है। और इसमें पिलियन भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता, अगर मैं साथ में इसमें लगेज वगैरह कैरी भी नहीं कर सकता हूँ, कंफर्टेबल नहीं है टूरिंग के लिए। और मैंने अभी एक नया चैनल चालू करा अथर का सफ़र, जिसमें मैं मोटो व्लॉगिंग और डेली व्लॉग डालता हूँ, तो उसके लिए तो मेरे को चाहिए कि मैं मोटो व्लॉगिंग इससे करूँ, तो यार वो बात नहीं आएगी। और जो उसका नंबर है ना यार, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 3000, यानी कि आप खुश हो सकते हो, आई लव यू 3000। अगर तो आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आयरन मैन एवेंजर मूवी में आपको पता ही होगा, तो वो वाली चीज़ है। तो इसका नंबर भी हमने कुछ इस तरह से ले रखा था। तो ये जो बाइक है, इसमें मैंने बहुत सारी क्या, मतलब टेस्टफुली इसको मॉडिफाई भी कर रखा है, जैसे कि मैंने इस पर विंगलेट लगाया था ये वाला, तो ये विंगलेट भी यार मतलब इसका पेंट उखड़ गया, लेकिन वो तो पेंट लग जाएगा। बाकी मैंने जो इसके अलॉयज़ हैं, वो भी मैंने इसके पेंटेड कराए थे नियॉन ग्रीन में, जो इसके लुक के ओवरऑल बहुत ही पसंद आते हैं, मतलब इससे मैच करते हैं। और ऐसे ही पीछे और आगे दोनों में कर रखा है। तो ये जो है बाइक, मैं सोल्ड कर रहा हूँ यार, मेरा मतलब कि अब जो नया चैनल है उस पर, मतलब आपको बता ही दिया मैंने, मोटो व्लॉगिंग करनी है स्टार्ट, तो उसमें ये कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास ये ना 2016 से है, 2016 से, और जो इसकी मैंने रनिंग करी है अभी तक, ये मैंने बिना किसी मेजर ब्रेकडाउन के ये मैंने चला दी है आपके 41,522, आप देख ही रहे हो, बिना किसी मेजर इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आया। सिर्फ मैंने इसके एक बार क्लच प्लेट चेंज करवाई थी, और चैन सेट चेंज करवाया है मैंने एक बार ही, वो भी एक बार पूरे, और एक बार मैंने टायर सेट इसका पूरा रिप्लेस करवाया है। तो अभी तक बस मैंने इसमें यही करा है, और थोड़ी बहुत जैसे कि आपको पता ही R15 है, तो इतने साल के मतलब थोड़े से बीच में वो आ जाता है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा गैप आ गया है, हल्का टूट गया है, उसमें जुगाड़ करके मैंने काम चला रखा है। बाकी इसकी लाइट लगाई रखी है मैंने, इसमें CYT वाली लाइट हैं, जो कि बहुत अच्छी थ्रो देती हैं रात को, क्योंकि जो इसके साथ एक्चुअल लाइट आती है वो हैलोजन बल्ब आते थे, तो वो मैंने हटवा कर ये लगा दिया है इसके अंदर। इसमें ये भी मॉडिफिकेशन करा रखी है, इसमें जो मिरर लगा रखे हैं, ये मिरर थोड़े से फैंसी हैं, जिसके अंदर आपको 10 इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, मैं जला के दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहे इसके 10 इंडिकेटर्स जो लगे हुए हैं मिरर के अंदर ही, और ऐसे ही साइड माउंटेड इंडिकेटर भी लगवा रखे हैं इसके अंदर। देखने में यार जो असली मज़ा आता ना, V1 आई थी R15 का अलग क्रेज़ था जब वो आई थी, लेकिन उसके बाद जब ये V2 आई थी ना, तो V2 का एक अलग ही लेवल का क्रेज़ पहुँच गया था इसकी सीट हाइट की वजह से, जो कि सीट हाइट दिखने में मतलब ओवरऑल उसका लुक अच्छा कर देती है, बट देखा जाए ना ये उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी हो सकती है, क्योंकि जो पिलियन बंदा है ना, पिलियन के लिए, पिलियन कंफर्ट के लिए बहुत ही बेकार है। आप इसमें आप अपने घर फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं बिठा सकते हो, और अगर कोई बंदा बैठ भी गया, आपका दोस्त वगैरह या फ्रेंड वगैरह, समझ रहे हो ना, फ्रेंड वगैरह, तो उसमें वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा ही नहीं सकते इसके साथ बैठ के। तो एक तो ये चीज़ है। तो इसके अंदर 150 सीसी का इंजन है, जो कि जनरेट करता है 18 या 17 हॉर्स पावर और 18 न्यूटन मीटर टॉर्क वो करता है, जिससे इसकी टॉप स्पीड जो है ना बहुत है, मतलब कि इंडिया में शायद 150 सीसी में कोई ऐसी बाइक होगी जो इसको कॉम्पीट कर सके टॉप स्पीड में। 150 सीसी के अंदर ये 140-145 टच कर जाती है, जो कि अनबिलीवेबल है किसी भी बाइक के लिए। तो वही चीज़ है, अगर देखा जाए तो ये जो पूरी ओवरहॉल है इसका, सबसे मेन चीज़ थी यार इसको रेसिंग मशीन R1 से इंस्पायर करके बनाया गया है। इसकी जितनी भी जनरेशन आती हैं वो सारी, अब तो V3 और V4 भी आ चुकी, V3 आई थी इसके बाद फिर V4 आई, और मेरा प्लान वही है कि मैं एक या तो नेकेड बाइक लूँ, MT-15 मेरा लेने का प्लान है, या फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कौन सी बाइक लूँ जिससे मैं मोटो व्लॉगिंग कर सकता हूँ। मतलब मोटो व्लॉगिंग तो मैं इससे भी कर सकता था, बट इतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकता, और इसमें पिलियन वगैरह की भी दिक्कत आती है, और मोटो व्लॉगिंग में हो सकता है कि मैं टूर वूर भी प्लान करूँ आगे, तो यार वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और ऑटो फिक्शन पे भी मैं अब वीडियोस लाता रहूँगा फॉर श्योर। तो ये छोटी सी वीडियो थी बस इससे बताने के लिए, आपको ब्रीफ देने के लिए कि क्या चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। चाहता हूँ कि मैं रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ ओनरशिप एक्सपीरियंस वाले कार्स के, बाइक्स के। तो अगर आपके पास, आप दिल्ली या NCR में रहते हो, आप मेरे साथ अपने मेरे चैनल पर अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो, तो यार वो भी आप मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। वहाँ पर आप मेरे DM करें, मैं डेफिनेटली आपके पास आऊँगा, या जैसे भी कंफर्टेबल होगा वैसा करके हम उस ओनरशिप रिव्यू को अपने चैनल पर दिखाएंगे। अपनी कम्युनिटी बढ़ती रहनी चाहिए। तो फिर भाई डेफिनेटली मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये बाइक लेनी है, इसकी डिटेल जाननी है कि मैं कितने में कर रहा हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर देना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।